दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में आपको रसायन विज्ञान के बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में हटा दिए गए। साथ में आपको ये भी बताऊंगा अब आपको क्या क्या पढ़ना है और आप किस तरीके से केमिस्ट्री में 97 स्कोर करोगे, आप कौन सी प्लानिंग लगाओगे, किस तरीके से आप केमिस्ट्री की तैयारी करोगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट और आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर देना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके कौन कौन से चैप्टर एकदम पूरी तरीके से हटा दिए गए। तो आपका चैप्टर नंबर 16 जो है दैनिक जीवन में रसायन, इसे पूरा अध्याय हटा दिया गया। साथ में आपका चैप्टर नंबर 15 बहुलक भी पूरा हटा दिया गया और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स हटाए गए हैं और उन टॉपिक्स के हटाने की वजह से चैप्टर्स बहुत इजी हो गए हैं। अब आपके पास पूरा चांस है कि आप 90 से 95% स्कोर कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप उसे रेगुलर फॉलो करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो पाठ्यक्रम में हटाए गए आपका जो प्रायोगिक होते हैं मतलब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें से भी बहुत चीजें हटा दी गई जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कक्षा 12 के पेपर में आपके टोटल 7 तरीके के प्रश्न आएंगे जिसमें सबसे पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पी 6 मार्क्स के, फिर आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 4 क्वेश्चन, फिर आपके भी दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन ठीक है, और तीन तीन नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे और चार चार नंबर के आपके टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 16 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के आपके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपका 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का ठीक है। और वही मैं आपको बता दूं ठोस अवस्था से आपके टोटल 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, विलयन से 7 मार्क्स, वैद्युत रसायन से 5 मार्क्स। इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेना कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि ठोस अवस्था में अब आपको क्या क्या मिलेगा ठीक है, पढ़ना है इस बार कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं 5 अंक के लिए ठीक है। सबसे पहले ठोस अवस्था में विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण आर्विक या आयनिक, ससंयोजक और धात्विक ठोस, अपृष्ठली और क्रिस्टली ठोस, एवं द्विमी एवं त्रिमी क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन रिक्तियां, घनी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका, परमाणुओं की संख्या व बिंदु दोष ठीक है। ये आपको ठोस अवस्था में पढ़ना है। विलयन की बात करें तो विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलयता, ठोस विलयन, अणु संघ के गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट का नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्वांथनाक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, परासरण दाब, अणु संघ के गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना ठीक है। यह आपका विलयन से पढ़ना है। वहीं आप यहां पर देख सकते हो चैप्टर वाइज दिए गए कि आपको कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो शुभम क्लासेस प्ले स्टोर ऐप से ठीक है। इसका मैंने पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको अपनी बुक उठानी है ठीक है, आपको बुक उठाना है और इधर सबसे ऊपर जितने भी दिए ठीक है इस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी में कट करते चलना है, क्योंकि आपने सभी ने बुक खरीद लिया होगा। तो अब आपको एक ही काम करना है, ये सारे टॉपिक आप कट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे ठीक है। और सबसे पहले ये जो दो चैप्टर आए हैं इनको भी एकदम आप कट कर देना ठीक है, कि आपको ये दो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ने ठीक है। फिर आप क्या करो कि आप चैप्टर 1 से शुरू करो और देखो इसमें से जितने टॉपिक्स हैं उनको एक बार, एक दिन आपको टाइम लगेगा इस ये सारे चीजें करने में, कि आपको एनसीईआरटी की बुक में से ये सारे सारे टॉपिक आपको टिक करने पड़ेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम पढ़ने हैं ठीक है। फिर और एक काम और करते चलो कि ये जितने भी चैप्टर वाइज आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि आपने ठोस अवस्था पढ़ लिया तो आपके कितने मार्क्स तैयार हो गए। इस तरीके से आपको अंदाजा लग सके कि आप कितने चैप्टर्स तैयार कर रहे हो और कितने मार्क्स आपके तैयार हो रहे हैं ठीक है। तो जितने भी चैप्टर से जो टॉपिक हटे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो नहीं हटे हैं जो आपको पढ़ने हैं इधर आपको मिल रहा है ठीक है। तो इसका पीडीएफ लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और वहां से एक एक टॉपिक को नोट डाउन करो। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको लेसन 1 से अब शुरू करने वाला हूं कि आपको जितने आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा ठीक है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और अगर आप अभी तक हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं करो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें काफी स्टूडेंट बहुत तेजी से जुड़ है, आप भी जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत करो। उसकी फीस 599 रुपए पूरे साल की है ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की इसी तरीके से जितने सब्जेक्ट आपके ये आए हैं उसी तरीके से मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर पेपर, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी ठीक है।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारा ऐप वहां से बैठ ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 84 81 7 009 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा और आपको जो ही आपका सिलेबस है उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी और 2021 की बोर्ड परीक्षा में आप 90 above स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बेहतरीन मौका है, आपके सिलेबस 30% घटा देगा, ठीक है। तो इससे सुनहरा मौका आपके लिए कभी नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।